ज्यादा तेज मत भगाइयो, ज्यादा तेज मत भगाइयो, चेन उतर जाती है। आराम से चलियो, 100-150 से ऊपर मत जाइयो। और मेरे को अगर थोड़ा सा भी पता होता ना कि अगर मेरे बोलने से ये चीज टल जाएगी, या मुझे पता होता कि शायद क्रैश होने वाला है और मैं इसको शायद घर लेके आ जाऊं तो बच जाएगा, तो गाइज मैं जी जान लगा देता, मैं इसे लेके आता। मुझे उसे घर वालों ने ये तक बोला कि तुम बड़े थे तुम उसे मारते उसे डांटते उसे लेके आ जाते। अलॉय व्हील है वो बैंड हो रखा है, और बैंड होने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर ये गिरता, स्लाइड होता, साइड से टकराता, किसी भी सिनेरियो में ना पीछे का जो अलॉय व्हील है वो बैंड नहीं हो सकता, जिस तरीके से वीडियो में, जिस तरीके से फोटो में दिख रहा है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ वाले ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर में। एंड गाइस देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी गाइस यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो, एंड जो भी चीज गाइस आप लोग चाह रहे हो कि भाई जस्टिस मिल सके हमारे अगस्ता भाई को, एंड जैसे हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे आगे जा रहे हैं एंड हर चीजों को गाइस हम लोग ऑब्जर्व करके देख रहे हैं अपने हिसाब से, एंड वो चीजों को गाइस मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, एंड आप लोगों का सपोर्ट देखे काफी अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों का इस दिल से थैंक यू। एंड गाइस मैं यही चाहता हूँ कि भाई अपने अगस्ता भाई को जल्द से जल्द जो है यहाँ पे भाई जो है जस्टिस मिल सके। देखो गाइस पुलिस का काम अलग है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे गाइस बस अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, हम लोग एक बातचीत कर सकते हैं, तो जस्ट वही चल रहा है हम आपके बीच में। अभी यहाँ पे गाइज आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज, वो क्या है गाइज, वो यहाँ पे है बाखंडी ब्लो का चैनल, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे गाइज उन्होंने एक वीडियो डाली है, रॉ प्रूफ एक्सप्लेनेशन बिफोर क्रैश, यानी कि गाइज क्रैश के पहले जो चीजें हुई है उनके और यहाँ पे अगस्ता भाई के बीच में, उन्होंने यहाँ पे सारा चीज भाई पूरा का पूरा रॉ चीज अपलोड कर दिया है। इसके अंदर में एक चीज है गाइज, एक चीज है जो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है जानना लोगों को, एंड मेरे को भी अभी पता चल रहा है, मेरे को भी इतने टाइम से नहीं पता था, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि भाई यहाँ पे बाखंडी भाई भी गए हुए हैं। मेरे को इतना पता था कि वहाँ पे भाई बाइकर भाई जाहिर, सूरज वर्मा, ठीक है, बियर बाइकर सैमी जिसकी बाइक की डिलीवरी थी, वो लोग थे, बट अभी मेरे को पता चला कि बाखंडी ब्लो भी था, लेकिन गाइज वो उनके साथ अगले दिन राइड पर नहीं गया था, वो सीधा घर आ गया था। ओके, तो अभी आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखो मैं आपको जो दिखाऊँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का जानना गाइज यहाँ पे ये सारी चीज़ों को, तो चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो मत छोड़ के जाइएगा, ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलने वाला है एक्चुअली भाई, एक्चुअली में अगस्ता भाई की क्या प्रॉब्लम के वजह से जो भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलो गाइज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपली इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप लोग ये फुटेज देखो जो इनके चैनल से मैंने लिया है। ओके, यहाँ से देखो आप लोग, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाला है प्रो राइडर 1000, और हम साथ में तीन लोग निकलने वाले हैं, एक ZX TRR, एक ZX 6R और एक एक्सपल्स 200 4V। सो गाइस अगस्ते ने कर दी थी देर, पूरे 45 मिनट लेट है, तो एट लास्ट वो आ गया है, हम निकल रहे हैं। ठीक है बाबा, जय गुरु जी। क्या हाल है भाई? तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अगस्ता भाई, बाखंडी ब्लो और इनका कोई एक फ्रेंड है जो एक्सपल्स 200 लेके ये लोग एक साथ यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है, उस इवेंट में जहाँ पे सैमी भाई अपना जो है R1 को निकालने वाले, ठीक है। एंड यहाँ रास्ते में गाइज इनको कुछ फॉलोअर्स मिल जाते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स, जो कि गाइज काफ़ी अच्छा मीटअप होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला है बाखंडी ब्लो, सही से सुनो, सही से सुनना, सुन, बाकी आराम से चलेंगे, ले लो ले लो। तो शुरू से ही हम लोग इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट राइड थी सुपर बाइक से बाहर जाने के लिए देहरादून से, तो मेरे घर वाले भी काफ़ी कंसर्न थे, और मैंने अगस्त्य को भी समझाया था कि हम लोग काफ़ी आराम से चलेंगे, कहीं ओपन स्पेस दिखेगी वहीं पे हम भगाएंगे। तो गाइस सुन सकते हो आप लोग, यहाँ पे खुद बाखंडी वालों ने कहा कि उनकी भी फर्स्ट राइड थी और अगस्ता भाई का भी फर्स्ट राइड था, और अगस्ता भाई के पेरेंट्स ने इसलिए जाने दिया क्योंकि उसके साथ में जो है आमिर माजिद था वहाँ पे। एंड यहाँ पे गाइस इन्होंने खुद कहा कि ये लोग खुद बहुत ही आराम से जाएंगे, इनका कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी का सीन नहीं था। ओके, एंड ये लोग आराम से यहाँ पे जाने वाले थे, तो जो कि बाखंडी ब्लॉग्स ने खुद अभी आप सुना आपने वीडियो में भी कहा उसको कि आराम से चलेंगे। अब आप लोग यहाँ से देखो, भाई
यही तीन बाइक है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक अपना जेरेक्स टेनार है, दोनों जेरेक्स टेनार है मतलब एक नया वाला और एक ओल्ड मॉडल, और पीछे जो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपल्स भी है। ये तीन बाइक लेकर गाइस ये लोग यहाँ से निकलते हैं और निकल के लोग सीधा जाते हैं कहाँ, दिल्ली की तरफ, जो कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा भगा के दिखाता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो ये लोग पूरे रास्ते पे शूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस आप लोग कुछ बातें जो आपको सुननी चाहिए जो कि आप यहाँ पे सुनो। सुपर बाइक के साथ मेरी पहली ट्रिप हो रही है रोड ट्रिप, और काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस, काफ़ी एक्साइटेड हूँ और कंट्रोलिंग के साथ भी चलना है गाइस क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। रोड नहीं बन गई, बीकू मात्र बहुत पीछे रह गया है, थोड़ा सा वेट कर लेते, धीरे धीरे चल लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस पूरे के पूरे राइड में भाई बाकंडी बलो भैया एक ही बात कह रहे हैं कि हमें धीरे से चलना है, हम पूरा कंट्रोल करते हुए जाएंगे और हम यहाँ पे आराम से जाएंगे। मतलब इनका इरादा कहीं पे भी ये नहीं था कि ये लोग रैश ड्राइविंग करेंगे या फिर ये लोग 300 या 400 मारेंगे, ऐसा कुछ भी इनका प्लान नहीं था। ये लोग जब जा रहे थे तब ये लोग एकदम नॉर्मली जा रहे थे, जो कि तुम लोग देख सकते हो स्पीड भी ज़्यादा नहीं है। मीटर देखो आप लोग यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे देख सकते हो 47 विद जस्ट सुपर बाइक है, 47 की स्पीड में ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या मेरे को सही लगा। अभी आप लोग आगे देखो, और बहुत बॉल मार रहा है आगे का टायर, बहुत बॉल मार रहा है, फिर मूड ख़राब होता है इस चीज़ से ना, भगाने का मन नहीं करता यार बाइक को। फिर यहाँ पे भाई भी हमारे साथ साथ चलने लग गया है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे गाइज इनका जो टायर है वो बबल मार रहा था, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा सा जो है ना वो कांपता है टायर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में टाल बोलते हैं, टाल मार रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बबल मारना, तो वो इनके साथ हो रहा था इनके बाइक में। अब यहाँ पे गाइज देखो ये लोग यहाँ पे अपना होटल वगैरह बुक करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे देखो तो फिर सुन सकते हो गाइज ये लोग हाईवे से बाहर आ चुके हैं। अभी अभी प्रोडक्टर ने क्या बोला ध्यान से सुनो, सुना आपने इन्होंने क्या कहा, ये लोग हाईवे से बाहर आ चुके हैं, अब देखो इनके साथ क्या होने वाला है यहाँ पे। तो फिर हाईवे से बाहर आ गए, वो मैप मैप के हिसाब से चल रहे हैं, मैप के हिसाब से खराब रोड आ रखी है, ठीक है गाइस यहाँ देख सकते हो पूरा का पूरा रोड खराब है, ये देखो पूरा रोड खराब, ऐसी जगह पे भाई ऑफ रोडिंग बाइक्स काम आ जाती हैं, जैसे भी हम चल रहे हैं 25-30 पे। एंड गाइस यहाँ पे है वो पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये चीज मतलब ये चीज कैसे लोगों से मिस हो गई, कैसे लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप देखो पहले यहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या हुआ, ट्रेन ढीली हो गई, इतनी ढीली कैसे हो गई है, काफी ढीली हो गई भाई, देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये चीज गाइस काफी ज्यादा मतलब नोटेबल चीज है गाइस की, एक 4 इनलाइन सिलेंडर की बाइक जिसका भाई नाम है जेड एक्स टेनार, जो गाइस 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को अचीव करता है, उसका चैन ढीला है भाई, तुम देख सकते हो चैन स्पॉकेट ढीला है, मतलब एक इंजन और एक जो हमारा पूरा व्हील बेस होता है उसके बीच का जो कनेक्शन होता है गाइस वही खराब है यहाँ पे। मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि हेलमेट खराब है, चलो मैंने माना, मैंने वो चीज़ें देखी, वो भी मतलब रहता है, उसका भी इम्पोर्टेंस रहता है, हैंडल का क्या वो था मतलब जिससे स्टेबल रहता है वो खराब था, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन गाइस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जिसके वजह से डिसबैलेंस होने का चांस है वो है गाइस अपना चेन और चेन स्पॉकेट। भाई अगर वो बंदा मान लो गाड़ी चला रहा है, अगर वो 50 या 60 पे भी चला रहा है ना गाड़ी, अगर उसका चेन स्पॉकेट अगर एक बार फंसता है गियर लगने के वजह से, जो आपको पता है गाइस कि होता है गाइस, मैं खुद बाइकर हूँ जो बाइक चला, तो उनको पता है गाइस कि अगर आप उल्टे सीधे गियर मार देते हो कभी 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 कभार लग जाता है तो आपका चेन स्पॉकेट फंसता है गाइस। अगर उस टाइम ये चेन स्पॉकेट फंसा तो इतना भारी गाड़ी लेके गाइस हर बंदा डिसबैलेंस होगा, ऊपर से जिस बंदे का हैंडल भी खराब है, ठीक है, मतलब ये बात तुम जरा सोचो भाई कि भाई 4 इनलाइन सिलेंडर की बाइक जिसका चेन इतना ढीला है कि जो ऐसे हिल रहा है, भाई तुम लोग पहले इस चीज को देखो ध्यान से, ये देखो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, काफी ढीली होगी भाई, देख रहा है भाई कैसे हिल रहे है इस चीज को तुम भाई, चेन की बस तुम खाली ये देखो, मतलब ये देखो चेन कितना ऊपर जा रहा है भाई, भाई कभी भी कोई बाइक का चेन इतना ऊपर नहीं चल जाता, चेन बहुत टाइट रहता है, मतलब लूज रहता है बट इतना भी नहीं। तो गाइज यही थी वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़,
जो शायद अगस्ता भाई ने इसको इग्नोर कर दिया भाई। ठीक है, ये मतलब इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है भाई। आपकी जो बाइक है वो फोर लेन सिलेंडर की बाइक है, उसके पीछे का टायर इतना बड़ा है, उसके अंदर में एक बहुत ही पावरफुल इंजन है। अगर भाई उसका चेन स्पोकेट और चेन इतना ढीला है तो वो कभी भी अटक सकता है, या चेन टूट सकती है, या तो चेन फंस सकता है। अगर भाई उसके वजह से डिसबैलेंस हुआ उतनी स्पीड में, तब भाई क्या होगा वो आपको भी पता है, एंड क्या हो गया है वो हमें भी पता है। तो अभी आप आगे देखो, दिक्कत तो करेगी, खैर बहुत ढीली हो गई, इतनी ढीली हुई कैसे ये? तूने करवाया नहीं, चेक नहीं करवाया होगा ना उसके बाद, अभी किसी मैकेनिक पे करवा लेंगे टाइट, पर मैकेनिक भी ढंग का होना चाहिए। मेरा आएगा टाइट इतना गंदा बॉबल मार रहा है ना भाई, हर समय कंटिन्यूसली बॉबल ज़्यादा तेज। अब यहाँ पे सुनो बाखंडी ब्लो भाई, यहाँ पे अगस्ता भाई को सीधा सीधा वार्निंग देते, तुम लोग सुनो यहाँ पे। तेज मत भगाइयो, ज़्यादा तेज मत भगाइयो, चेन उतर जाती है। देखो आराम से चलियो, 100-150 से ऊपर मत जाइयो। देखो सुन लिया आप लोगों ने, बाखंडी ब्लो भैया ने क्या बोला यहाँ पे, कि ज्यादा तेज मत चलाना, 100 से अंदर रखना, 150 से ऊपर मत जाना, वरना चेन उतर जाती है। तो गाइज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि भाई ये चीज भी हो सकता है गाइज, कि शायद भाई यहाँ पे जो डिसबैलेंस होने का वजह था वो शायद गाइज ये चेन उतरने की वजह से तो नहीं हुआ कहीं, भाई ये चीज भी आप लोग सोच सकते हो भाई एक बार के लिए। ठीक है, अभी पहले आप लोग ये फुटेज देखो, फिर हम आगे बात करते हैं। ये फंस जाती है, उतर जाती है, अब वो उतर के फंस भी सकती है, टूट भी सकती है। सुना, उतर के फंस भी सकती है और टूट भी सकती है, जो मैं आपको इतने देर से बोल रहा था भाई। ठीक है कि भाई मेरी खुद की बाइक है, मेरे को पता है चेन कैसे फंसता है, और गाइस गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि मैं गिर चुका हूँ भाई, मेरे को लग चुकी है एक बार, मेरे को पता ही ये बात कि चेन फंसती है भाई। अगर आपका चेन स्पॉकेट ख़राब है, अगर आपका चेन ढीला, आपका चेन फंस जाएगा, फिर आपका इंजन घूमेगा नहीं और आपका टायर ब्लॉक हो जाता है, और आप कितनी भी स्पीड में आप स्किड हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि आप ब्रेक भी अप्लाई करोगे तो आपका टायर ऑलरेडी रुका हुआ है, तो आपका ब्रेक किसको रोकेगा, मतलब आपका टायर घूम रहा है, आपने ब्रेक मारा आपका टायर रुका, लेकिन अगर आपका टायर ऑलरेडी रुका है और आपकी गाड़ी स्किड खाते हुए जा रही है, आप कितना भी ब्रेक मार लो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं गिरा हूँ, मेरे को पता है, एंड वही चीज़ देखो यहाँ पे वो वार्निंग भी दे रहे हैं। उतर जाती है, अब वो उतर के फंस भी सकती है, टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, देख सकते हो भाई। अब लोग यहाँ पे गाइस, वो लोग आ चुके उस इवेंट के अंदर में, जिस इवेंट के अंदर में यहाँ पे R1 वगैरह की डिलीवरी होने वाली। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे भाई अनिल माजिद की भी बाइक रखी हुई है। ओके, एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ब्रो कि यहाँ पे जो है उनकी बाइक है। ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो पीछे अपनी येलो कलर की जो यहाँ पे R1 भी रखी हुई है। ओके, एंड यहाँ पे भाई अपना अगस्ता भैया है। अब तुम लोग यहाँ से आगे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जो गाइस यहाँ से मेन कंसर्न है, जो उनकी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा सुनना ज़रूरी है गाइस, वो आप लोग यहाँ पे पहले देखो। ठीक है, सुनो यहाँ से। सो गाइस हम लोग वापस जाने के लिए रेडी हैं, सारी पैकिंग वगैरह हो गई है और मौसम बिल्कुल बारिश वाला हुआ हुआ है, और हमें पूरा देहरादून जाना है, और टायर भी जस्ट गंजा होने वाला है, तो देखते हैं कितना वो चलता है। वैसे इस बार हम आराम से जाने वाले हैं और हाईवे से जाने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार हम किसी गाँव वाले रास्ते से आए थे तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो अभी मिल लेते हैं आमिर से और बियर बाइकर से, और फिर हम निकलते हैं। प्रो राइडर को यहीं रुकना है क्योंकि शायद वो आगे कंटिन्यू कर रहा है, पर हमको काम है तो हम तो निकल रहे हैं आज ही। और अगर ये लोग आते हैं देहरादून तो फिर दोबारा से हम राइड वगैरह करेंगे, मीटअप वगैरह का शायद प्लान हो रहा है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो गाइस देख सकते हो ये लोग भाई उसके अगले दिन यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है भाई, ये जो मोमेंट है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगा, ये तुम लोग पहले देखो यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए, और ये खड़ी है हमारी बाइक्स, पर ये बाइक हमारे साथ नहीं जा रही है फिलहाल, यही जा रही है और एक्सपल जा रही है। तो इस बीच मेरे को एक मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, वो पूछता है आप कहाँ हो, मैं बोलता हूँ मैं घर पर हूँ, तो वो मुझे कहता है कि अगस्ते का एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा शौक होता हूँ, मैं कहता हूँ क्या हुआ और मुझे डिटेल बता वहाँ पहुँच के। तो उसके तुरंत बाद वो बोलता है कि उसकी डेथ हो गई। तो वो सुन के मैं मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, वो सुन के मैं बिल्कुल पॉज हो गया और मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो भाई तुम लोग समझ ही सकते भाई कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, जब वो जा रहे थे भाई वो कह रहे कि भाई ये बाइक हमारे साथ नहीं आ रही है, और जाने के बाद गए उनको ये भाई न्यूज़ आता है कि उसका भाई एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया। तुम समझ ही सकते भाई कितना ज़्यादा बुरा लगता है भाई। ठीक है, मतलब मैं भी होता भाई उस जगह तो भाई मैं खुद फील कर सकता भाई, क्योंकि मैंने खोया है भाई, मैंने अपना भी दोस्त खोया है एक्सीडेंट में, तो मेरे को पता है। ठीक है, बाकी तुम लोग यार आगे देखो, मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है भाई, इसे दिल भर जाता है इंसान का।
ठीक है, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ इस बारे में। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे देखो, अपने जो बाखंडी भैया जो अभी बताएंगे वो चीज़ को तुम लोग गौर करना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बड़ा करता हूँ, कहना चाहूँगा कि यहाँ जो फोटोज हैं अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो एक साइड से मतलब उसका क्रैश हुआ है और दूसरी साइड से वो घिसी हुई है। तो अगर 100 की स्पीड या 150 की स्पीड होती है तभी भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो क्रैश हुआ है ये 100 की स्पीड से भी कम या 100 या 100 से नीचे की स्पीड पे हुआ है। इसमें दूसरी चीज़ आप देखोगे कि इसके पीछे के जो अलॉय व्हील है वो बैंड हो रखा है, और बैंड होने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर ये गिरता, स्लाइड होता, साइड से टकराता, किसी भी सिनेरियो में ना पीछे का जो अलॉय व्हील है वो बैंड नहीं हो सकता, जिस तरीके से वीडियो में, जिस तरीके से फोटो में दिख रहा है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि इसको पीछे से ठोका है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीछे से कार आई और उसे ठोक के उड़ा के चली गई, हो सकता है कि ये डिसबैलेंस हुआ, हो सकता है इसने ब्रेक मारी, हो सकता है पीछे से कार आ रही थी ये कार के सामने आ गया, पर ये चीज़ गारंटीड है कि इसको पीछे से कार ने ठोका है या किसी व्हीकल ने ठोका है जिसकी वजह से वो अलॉय बैंड हुआ है। तीसरी चीज़ आती है इसका हेलमेट। मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बताया था कि इसके हेलमेट में कुछ दिक्कत आ रही है, हमें भी पता था कुछ ना कुछ दिक्कत है, कितनी सीरियस है हमें उसके बारे में नहीं पता था, वाइज़र वगैरह इसने हमारे साथ ही खरीदा था। पर इसकी जो लीक वीडियो आई है जो अभी भी हम एंड में देखेंगे, उसमें ये बोल भी रहा है कि मेरी पैडिंग लूज़ हो रही है, मेरा हेलमेट उड़ ना जाए। अब मेरा अजम्पशन ये है कि ये डिसबैलेंस हुआ है, उसके बाद इसकी गाड़ी क्रैश हुई है, क्रैश होने के बाद इसका सर का जो हेलमेट है वो निकल गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी फ़ोटो देखेंगे हेलमेट की, तो हेलमेट बीच में से टूटा है, शेल उसका प्रोटेक्टेड है पूरा, और उसमें एक भी ब्लड नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी कहीं पर जैसे कहते हैं ना खून लगा हुआ हो, तो इससे साफ पता लगता है कि भाई इतनी ब्लीडिंग हुई है अगर किसी बंदे की और हेलमेट में इतना सा भी खून का निशान नहीं है, तो इससे साफ पता लगता है कि हेलमेट तो उसके सर से अलग हो गया था, गिरने से पहले हुआ, गिरने के बाद हुआ, किसी के मारने के बाद हुआ, वो हमें क्लियर नहीं कह सकते, पर हेलमेट उसके सर पर नहीं था। क्योंकि बड़े से बड़े क्रैशेज गाइज आपने देखे हैं, हर हाल फिलहाल में भी बहुत सारे हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट बंदे बच जाते हैं, हाथ पैर टूटता है, ठीक है, डीप इंजरी हो जाती है, इंटरनल इंजरी हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट सर बचा रहता है, और सर बचा रहता है तो इंसान बचा रहता है। तो गाइस देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे भाई, जो कि साफ बात है यार, अगर सर पे चोट लग जाए तो भाई बचना इज इम्पॉसिबल। तुम लोग हेलमेट देखो भाई, हेलमेट में कहीं भी ब्लड का दाग नहीं है, ठीक है, कहीं भी ब्लड का दाग नहीं है, और बस ये टूटा हुआ है, मतलब है गाइस कि सर से हेलमेट खुल गया था और जाके किसी चीज़ पे टकराया होगा, या तो इसके ऊपर से गाड़ी निकल गई होगी जिसकी वजह से ये टूटा है, लेकिन अभी तक गाइस इस पर कोई भी ब्लड का निशान नहीं है। दूसरी बात गाइस, जहाँ पे आप लोग देखो जो ये वाला अलॉय है भाई, ये जो अलॉय है ये जिस तरीके से गाइस यहाँ पे बैंड है, ठीक है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस। अगर देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो गाइस पीछे से कोई गाड़ी अगर आके इसको ठोकर मारती है, ठीक है, कोई भी गाड़ी अगर मान लो पीछे से ठोकर मारती है, तो पीछे का ये वाला हिस्सा पहले टूटना चाहिए, है ना। पीछे से अगर कोई भी गाड़ी अगर लॉरी अगर आता है इसको ठोकर मारता है, तो पीछे का इंडिकेटर देखो गाइस इज ओके, पीछे का ये सारा चीज़ ओके, ठीक है, पूरा का पूरा देखो यहाँ तक ठीक है, लेकिन गाइस अचानक से बस यहाँ पे जो है ये टूटा कैसे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, मेरा एक अपना ओपिनियन जैसे मैंने डाला था कि क्या हो सकता है। ओके, खैर अभी इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल बाखंडी बुलो भैया के आगे की बातें हम लोग यहाँ पे सुनते हैं कि उनके साथ उनका फैमिली का जब बात हुआ तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे। पिचका होगा मतलब है, उसके घर वालों ने भी मुझे बोला, अब घर वाले इतने दुख में थे, वो बेचारे किसको बोलेंगे। जिस दिन मैं उनके घर सेकेंड टाइम गया तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको उसका घर लेके आ जाना चाहिए था। अब मैं उनको क्या बोलूँ, मैंने उसको बोला था कि मेरे साथ चल ले, और मेरे को अगर थोड़ा सा भी पता होता ना कि अगर मेरे बोलने से ये चीज़ टल जाएगी, या मुझे पता होता कि शायद क्रैश होने वाला है और मैं इसको शायद घर लेके आ जाऊँ तो बच जाएगा, तो गाइज मैं जी जान लगा देता, मैं उसे लेके आता। मुझे उसे घर वालों ने ये तक बोला कि तुम बड़े थे, तुम उसे मारते, उसे डांटते, उसे लेके आ जाते, पर गाइज उसके प्लान्स अलग थे, और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था आमिर माजिद से, उसकी दोस्ती उसके साथ ज़्यादा थी, मेरे को भी उसी ने मिलवाया था उससे, पर हमारी ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं हुई थी, हम नॉर्मल एक बस मिल रहे थे, साथ में राइड कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे को सबसे ज़्यादा रिग्रेट, या मुझे ऐसा लगता है जो मेरे अंदर जो एक वॉइड बन गया है ना, जो एक खालीपन हो गया है, वो इसी चीज़ को लेके हो गया है कि कहीं ना कहीं मन में मेरे ये था कि यार मैं ऐसा अकेला छोड़ रहा हूँ, भले ही वो उसकी अपनी मर्जी थी कि वो वहाँ रुक रहा है, उसके प्लान्स अपने आप चेंज हुए, हमें वापस आना था जो भी था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं शायद उसे अपने साथ ले आता तो शायद वो बच जाता। भाई देख सकते हो यहाँ पे
ये चीज़ भाई सारी जिंदगी भाई मेरे को लगता है बाखंडी ब्लॉक के दिल में रहेगी यार, कि अगर वो उस दिन उसको लेके आ जाते तो शायद भाई आज यहाँ पे हमारे अगस्ता भाई जो है वो जिंदा रहते, हम सबके बीच रहते। लेकिन गाइस उसके बाद वो लोग राइड पे निकले और उस राइड के बाद भाई कभी भी यहाँ पे अगस्ता भाई वापस नहीं आए। तो इस बात का गाइस बुरा इनको पूरी ज़िंदगी रहेगा, सारे लोगों को ही रहेगा गाइस जो लोग उस दिन इवेंट में थे, सारे बाइकर्स को रहेगा, आमिर माजिद, वियर बाइकर, सैमी, ठीक है, मतलब जो खुशी का टाइम था गाइस वो इनके लिए भाई इतना ज़्यादा रहेगा, पूरी ज़िंदगी इनको भाई कचोटता रहेगा भाई, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इस बारे में। एंड गाइज ये वीडियो भाई मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके ज़्यादा आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, यहाँ तक तो भाई आप सब लोगों ने देखा। एंड एक जो चीज़ हमें नहीं पता चली, न्यू पता चली, कि भाई उनका चेन पॉकेट यहाँ पे ख़राब था, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस चीज़ के बारे में गाइज अभी तक किसी बंदे ने भी वीडियो में नहीं बात करी है कि भाई इसके वजह से, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भाई कि शायद हो सकता है कि डिसबैलेंस हुआ। बाकी भाई आप लोग कमेंट के अंदर में बताओ आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या लगता है। एंड होप गाइज हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट के अंदर में RIP ज़रूर लिखना अगस्ता भैया के लिए, एंड हो सके उनको भाई यहाँ पे जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक्चुअली में गाइज। ओके तो मिलते गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।